तो गाइस अभी जो है ना गेट में अभी ताला लगा दे रहे हैं, क्योंकि सामने का जो स्थिति है इस वक्त बिना ऑनलाइन एग्जाम के जो है अपन यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। तो गाइस अभी जो है ना गेट को तोड़ दे रहे हैं, ये देखो यहाँ पे सारे पुलिस ऑफिसर जो यहाँ पे तैनात है। और पुलिस जो है अभी और भी लोगों को बुला रहे हैं। तो गाइस अब देखना ही है कि ये आवाज जो है यूनिवर्सिटी के अंदर तक जाती है कि नहीं जाती है, क्योंकि अभी कुलपति मैडम जो है बाहर नहीं आ रही है। तो स्थिति जो है ना और भी अभी खराब हो रहा है, देखो गेट वगैरह सब कुछ जो है तो तोड़ दे रहे। तो अभी जो हालात खराब हो रहा है, पुलिस जो है अभी रोकने की कोशिश कर रही है, पुलिस से भी जो है नहीं संभल रहा है। देखो ये सारे स्टूडेंट जो है अभी गुस्से में है, क्योंकि गाइस अपना जो है मांग पूरा नहीं हो रहा है। तो कैसे देखो अभी पुलिस सारे आ गए, देखो अभी और पुलिस बुलाया गया है गेट से उतरवाने के लिए। देखिए जैसा कि लगातार छात्रों की मांग आ रही थी कि जैसी शिक्षा हमको प्राप्त हुई है उसी पद्धति से परीक्षा ली जाए, उन्हीं सब मांगों को लेकर छात्रों को संयुक्त रूप से इकट्ठा करके आज दुर्ग जिला NSOI द्वारा संयुक्त रूप से विश्वविद्यालय का घेराव किया जा रहा है। वह कुलपति मैडम को ज्ञापन सौंपा जाएगा कि जिस पद्धति से पढ़ाई हुई है उसी पद्धति से एग्जाम दिया जाए। आप NSOI के साथ भी हैं और आप स्टूडेंट भी हैं, सरकार भी आपकी और आप अपने ही सरकार से मांग कर रहे हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, जैसा कि भूतपूर्व में भी देखा गया है कि पिछले दो बार से जब कोविड था तब भूपेश बघेल जी द्वारा हमारे छात्रों के हित में फैसला लेते हुए ऑनलाइन परीक्षा कराई गई है, किंतु इस साल यूनिवर्सिटी द्वारा भूपेश सरकार जी को छत्तीसगढ़ शासन जी को गलत जानकारी प्रदान की जा रही है, जिसमें उनको भ्रमित किया जा रहा है कि पढ़ाई हुई है, छात्र ऑफलाइन पेपर देने के लिए सक्षम है। वही दिक्कतों को दूर करने के लिए आज हमने यूनिवर्सिटी का घेराव किया, वह उनको सही जानकारी प्रदान की गई है। सही जानकारी के लिए क्या आपने मुख्यमंत्री से संपर्क साधा? मुख्यमंत्री जी से लगातार हमारे जो उच्च प्रतिनिधि है वह संपर्क कर रहे हैं, वह हम जो छात्र प्रतिनिधि है दुर्ग जिला के NSOI के हैं, वह लगातार छात्रों के साथ यूनिवर्सिटी को भी हम दबाव बना रहे हैं कि वह भूपेश सरकार जी को छत्तीसगढ़ शासन को सही जानकारी प्रदान करे। क्योंकि जब नर्सरी क्लास से 12th क्लास के बच्चों का ऑफलाइन एग्जाम दिया जा रहा था उस वक्त आप लोगों ने आवाज़ मैडम देखा जाए कि स्कूल की पढ़ाई एक अलग लेवल की होती है। जैसा कि आपको पता होगा 12th के जो छात्र थे जो कि प्रमोट होकर सीधा फर्स्ट ईयर में आए थे, तो वहाँ 2 साल से लगातार ऑनलाइन एग्जाम दिया जा रहा है। आज तो उन्होंने कॉलेज में ऑफलाइन का एक एग्जाम नहीं दिया, तो अगर उन छात्रों को अचानक से आप ऑफलाइन एग्जाम देने बोलोगे जिसका उन्होंने पूरे से तैयारी नहीं किया, वह एग्जाम कैसे देंगे? दूसरी बात, इस साल इतना छात्रों में दबाव है कि अगर 2 साल उन्होंने ऑनलाइन पेपर दिया, इस साल अचानक से ऑफलाइन पेपर देंगे और रिजल्ट खराब होने से बच्चों में दबाव पड़ रहा है, सुसाइड के केसेस बढ़ेंगे, ऐसे बहुत से बातें हैं। अभी कितने बच्चे लगभग पूरे दुर्ग विश्वविद्यालय में आपका रेगुलर और प्राइवेट मिला के 170,000 छात्र हैं। आपका परिचय? आकाश कनौजिया, पूर्व प्रदेश सचिव। कितने बच्चे हैं यहाँ पर उपस्थित? यहाँ पे लगभग
50 से ज़्यादा बच्चियाँ उपलब्ध है और हमको ऑनलाइन की हमारी मांग है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। ठीक है, मैं कल्याण कॉलेज की छात्रा हूँ, सेकेंड ईयर बीकॉम की। हम स्टूडेंट्स की मांगे, हमको ये नहीं बोलते कि हमको एकदम से ऑनलाइन एग्जाम चाहिए और एकदम से चाहिए। ऑफलाइन भी दे रहे तो हमको उतना सिलेबस प्रोवाइड करें। साल भर तो कुछ पढ़े नहीं है, कुछ भी नहीं किए हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो गाँव में रहते हैं, जो बच्चे जगह जगह से जहाँ नेटवर्क नहीं होता, उन लोग का भी कोर्स कम्प्लीट नहीं, और हम तो कुछ पढ़े ही नहीं। और ऊपर से क्या कहते हैं, ऑफलाइन एग्जाम। क्लास 8-10 के स्टूडेंट जब सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम तो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हमारे भी तो फ्यूचर का सवाल है। हमारी भी तो ये जो ये हो चुकी है ना 18+, हमको भी तो अपेयर करना है, कहीं एग्जाम कुछ चीज़ें करनी है। बहुत सी प्रॉब्लम्स है मैम, बहुत सी चीज़ है, लेकिन ये कोई सुनने को तैयार नहीं। अभी तो बोलते हैं कि छात्रों के भविष्य का बात है कि हमारा फ्यूचर खराब होगा अगर ऑनलाइन देंगे। 2 साल पहले भी तो कोविड था, क्लास 12 से डायरेक्ट सेकेंड ईयर पे जंप की है, बेस कुछ क्लियर नहीं है, कहाँ से एग्जाम देंगे, कुछ तो नहीं आता है। कौन से स्टूडेंट आप प्रैक्टिकली एक एक स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन अभी अगर क्या चाह रहे हैं, बस हम चाहते हैं कि हमारा ऑनलाइन एग्जाम करवाया जाए, बस हर बार की तरह इस बार भी बस लास्ट ऑप्शन यही करवा दिया जाए। नेक्स्ट ईयर से कोई कौन आ रहा है, सबको अपने फ्यूचर की चिंता है, सबको अपना फ्यूचर देखना है। परिचय दीजिए। देविका यादव, कल्याण कॉलेज, बीकॉम सेकेंड ईयर। तो सब लोग ऑनलाइन चिल्ला रहे एक साथ। तो गाइस 2-3 घंटों के बाद, इतना वेट कराने के बाद, कुलपति महोदय अभी जो है आ रही है। और ये रही अरुणा पलटा जी, अब देखना ये कि मैडम क्या डिसीजन लेती है और क्या बोलेगी। मैम आपसे निवेदन है, आप हमारी बात बच्चों की बात सुनिए। कितने बार आते रहेंगे ऑनलाइन एग्जाम के मामले में, कितने बार आते हैं? आप सब कहते हैं ना कि NSY वाले प्रशासन सबको भड़काते हैं, लेकिन सबको भड़काते हैं। आप खुद छात्रों से पूछिए, सब एक अलग अलग छात्रों के, सबके अपने अपने अलग अलग इश्यूज है। मैडम 8वीं 10वीं के बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम तो एडल्ट एज में, हमारा क्या होगा? क्लास 10 के बाद से, 11-12 के बाद से डायरेक्ट जंप की है, 12th का भी हमारा कोविड में निकल गया, कॉलेज में पहुंचे डायरेक्ट, कुछ भी बेस क्लियर नहीं है। मैम मैम उसमें से भी 2 महीने ऑनलाइन क्लासेस चली है, 15 दिन इलेक्शन की वजह से क्लासेस बंद हुआ है, 15 दिन हम मानेंगे हमारी ऑनलाइन क्लासेस चली है, उसमें से 1 साल का सिलेबस कैसे? ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम लेना है लीजिए, लेकिन हमारा सिलेबस कम कीजिए। हम ये नहीं बोलते कि हम पढ़ने को तैयार नहीं है, हम काम चोर है। मैडम हमारे भी भविष्य, हमारा भी फ्यूचर है, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं। 2 साल वैसे भी वेस्ट हुआ ना कोविड की वजह में हमारा, तब तो कोई नहीं बोला कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक बार और ऐसा हो जाएगा तो कौन सा भविष्य खराब हो जाएगा? अभी कंडीशंस नॉर्मल हुई है, मैं भी अगर अभी 3rd वेव हाई वेव पे होता, लेते ना ऑनलाइन एग्जाम साहब, तब कोई कुछ कर पाता क्या? नहीं कर पाता ना मैडम। अभी हमको कुछ बेस क्लियर नहीं, कैसे पढ़ेंगे मैडम? आप भी बताइए, एक एक स्टूडेंट की, हम तो लड़कियां हैं, 2 साल में शादी की बातें आने लगती है, दुनिया भर की चीजें आती है, हमको तो बहुत सारी चीज फेस करनी पड़ती। मैडम आप भी एक औरत है, हर एक लड़की की बात समझने की कोशिश कीजिए, सबके घर की कंडीशन सिचुएशन सेम नहीं होती है। बार बार धूप में आने का, ऐसे नारेबाजी करने का किसी को शौक नहीं है मैडम, कोई यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता है, हम सिर्फ अपने हित की बात करने आए हैं। रिक्वेस्ट है मैम, समझने की कोशिश कीजिए उस चीज को। और मैडम आपने उस दिन हमें बोला, आपने ऑन मीडिया पर बयान दिया कि छात्र संगठन बच्चे को भटका रहे हैं। मैडम यहाँ पे आप जितने भी बच्चे हैं, आपने ये बोला कि किसी के भी वार्ड में एग्जाम ऑफलाइन होगा, है ना? आप किसी के बाद में छात्र संगठनों के उसमें आके कोई प्रदर्शन मत करें। मैडम यहाँ पे आने वाले कोई छात्र संगठन नहीं, सिर्फ सबके सब स्टूडेंट हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, सब स्टूडेंट है ना, और किसी को भी वो नहीं है। वो मैडम अगर आप ऑनलाइन एग्जाम नहीं करा सकते, हमारे को पूरी कोर्स ऑफलाइन माध्यम से पहले कॉलेज में होनी चाहिए, उसके बाद आप ऑफलाइन एग्जाम लीजिए, हमें स्वीकार है। या फिर मैडम 60% जो 60% जो हम लोग का मांग है, 60% पढ़ाई हुआ है तो 60% में पेपर आप लीजिए।
शासन को पत्र लिख के भेजा था ऑनलाइन या ऑफलाइन का, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने अभी सेक्रेटरी से फोन पे बात की, उनका कहना है। मैडम थोड़ा सा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, थोड़ा सा जोर से बोलिए। देखिए वहाँ से जवाब नहीं आया है, परंतु फोन से जो बात हुई है उससे यही बताया जा रहा है कि इस बार की सारी परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी। हमने अपना टाइम टेबल, एक मिनट पहले मैं बोल देती हूँ फिर आप लीजिएगा, हमने अपना टाइम टेबल जो जारी किया है प्राइवेट में, उसमें आप लिख पढ़ लीजिएगा वेबसाइट पे, परीक्षा में ऑफलाइन लिखा हुआ है। आप लोग का भी, रेगुलर वालों का टाइम टेबल, हमने 15 दिन, हमारी तैयारी 1 अप्रैल से एग्ज़ाम कराने की थी, पर जब आप लोग लगातार कह रहे थे कि पढ़ाई नहीं हुई है, हमने परीक्षाएं आपकी 15 दिन और पोस्टपोन करके अब 16 से हम कर रहे हैं, और 16 से भी केवल छोटी छोटी क्लासेस के एग्ज़ाम कर रहे हैं। मेन एग्ज़ाम जो बीए, बीएससी, बीकॉम के हैं वो 25 से कर रहे हैं अप्रैल से, जिससे आपके पास पर्याप्त समय आपको पढ़ने के मिल जाए। गैप्स हमने बहुत अच्छे रखे हैं, 3-3, 4-4 दिन के गैप रखे हैं हर पेपर में, जिससे कि आपको पूरा समय पढ़ने के लिए मिल जाए। और रही बात 60% में कोर्स कराने की, एग्ज़ाम कराने की, या 100% में, ये निर्णय विश्वविद्यालय का नहीं होता है, ये निर्णय कोऑर्डिनेशन का होता है, और कोऑर्डिनेशन में कोई चीज़ मूव करने में 2-2, 3-3 महीने का समय लगता है, क्योंकि इसमें नियम बदलते हैं, इसका एक तरीका होता है करने का, जिसकी मीटिंग से 2 साल में एक ही बार होती है कोऑर्डिनेशन, जिसमें कि सारे रिप्रेजेंटेटिव उच्च शिक्षा विभाग से लेकर राज्य शासन से लेकर मंत्री से लेकर सबकी उपस्थिति अनिवार्य होती है, तब अध्यादेश बदलता है। तो अध्यादेश तो बदलेगा नहीं, अभी की जैसे आपकी परीक्षा था, मैंने आज सवेरे आपसे आदित्य बात की थी, कठोर निर्णय है, पर 2 साल के बाद कठोर निर्णय नहीं लेंगे तो आगे चल के आप लोग का सही मायने में आपका नुकसान होगा। इसलिए मेरा ये कहना है, और मेरे विश्वविद्यालय में 2 लाख से 2.25 लाख तक बच्चे बैठ रहे हैं, मैडम एक बात बताइए, 2 साल से बच्चों को पेपर नहीं दिए, स्कूल से जो पास होकर आए हैं, ऑफलाइन जो बच्चे हैं आज तक पेपर नहीं दिए 12th पास करके, वो कैसे दे पाएंगे? मैडम एक बात बताइए, मैडम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आप सुनिए, 15 दिन पहले आप बोलेंगे, 1 महीना पहले बोलेंगे कि इस बार परीक्षा ऑफलाइन पहुंचेगी, आपको सत्र के शुरू में बता देना चाहिए। हाँ शुरुआत में मैम अगर बताते तो क्लियर हो जाता लास्ट तक। मैडम आपको बच्चों को सत्र में शुरू में बता देना था कि बेटा 2 साल ऑनलाइन हो गए, इस साल हम पूरा का पूरा ऑफलाइन पेपर लेंगे। आप बच्चों को पेपर के 1 महीना पहले बताओगे कि ऑफलाइन पेपर होगा, उसका बोलेंगे आप 10 दिन बढ़ा दी पाए, तो मैडम बच्चों जो 2 साल से ऑफलाइन पेपर नहीं दिए वो कैसे करने पे? बच्चे इतना मानसिक, जब आप बोलते हैं कि NSOI या कोई भी छात्र संगठन बच्चों को भड़का रहे, मैडम आप जो बच्चे आपको जो मैसेज कर रहे होंगे मैं उनका नहीं जानता, हम NSOI बता गई, मैं अपना फोन अभी पब्लिकली मीडिया के सामने दिखा रहा हूँ, कितने हजारों बच्चे रहे मैम सुनना ही होगा मैम, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन करा सकते हैं, नहीं सुन रही मैम, अंदर चले बाद में हमने मांग किया, अब इन लोग अब इसके बाद अगर ये लोग गुमराह करते हो बात पलटते तो फिर बात ये हो जाती कि तुमने पहले क्यों कहा। चलो भाई हमको नहीं पता कि बच्चे कहाँ जाएंगे। चलो भाई टेक्निकल यूनिवर्सिटी को भी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी तो बोला है देखो मैम नहीं सुन रही है, मैम अंदर चले गई है। कुछ समय बाद आपका पेपर भी शुरू हो जाएगा, तो अब इनको हम अभी जैसा कि प्राइवेट का ही सिर्फ टाइम टेबल आया है दुर्ग यूनिवर्सिटी का, रेगुलर का UG और PG का बचा हुआ, तो आप सभी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें, मेरा निवेदन है, और इनका निर्देश का इंतजार करते हैं कि क्या देती है, उसके बाद NSOI और छात्र समझेंगे कि आगे क्या करना है। गाइस अभी भी जो है ना फ्यू स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के पास में अभी भी गए नहीं है घर, क्योंकि अभी रायपुर से जो है ना न्यूज़ आना बचा है कि वहाँ पे जो है ऑनलाइन डिसीजन लिए कि ऑफलाइन, तो यहाँ पे वेट कर रहे हैं फिलहाल, जो है अभी मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ। इसी के साथ आज की इस ब्लॉग पे बस इतना ही, दिस इज देवांशु साइनिंग ऑफ, आप लोगों को मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग पे, सब्सक्राइब टू माय चैनल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।